अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए। और तो मैं दो क्लासेस पढ़ा कर रही हूँ, आई होप कि आपको फील नहीं होगा मैं पढ़ा कर रही हूँ। ठीक हो गया? अच्छा जी बेटा, स्टार्ट करते हैं हम अपनी लाइफ की इनिशियल से। हर बच्चा जब पैदा होता है, दुनिया में आता है, मासूम सा होता है। हम में से हर इंसान उस बचपने से गुजरा है, सही है? लेकिन अल्लाह ने हम सबकी कहानी एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाई है। जिंदगी की तमाम स्टेजेस जिनसे हम गुजरते हैं कहने को एक जैसी हैं, लेकिन हमारी इंटरनल कहानियां अपनी अपनी हैं। सब बच्चे होते हैं, सब चलना सीखते हैं, सब बोलना सीखते हैं, लेकिन उस चलने बोलने में हमारी फैमिली, हमारे हालात और अल्लाह की तरफ से आजमाइशें और नेमतें हम सबकी मुख्तलिफ होती हैं, है ऐसा? हम अपनी सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में ये नहीं है, और फलाने फलाने की जिंदगी में ये सब कुछ है। बेटा ये याद रखो कि अल्लाह ने किसी इंसान को परफेक्ट नहीं बनाया, ना किसी की इंसान की जो हालात है वो परफेक्ट है। हमें दूर से बहुत परफेक्ट एट टाइम्स नजर आते हैं, है ऐसा? हमें लगता है कि जो मेरी फलानी फ्रेंड है या एबीसी जो भी है, उसके पास बहुत कुछ है, वो एक लेविश लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है, उसकी फैमिली के पास बहुत कुछ है, उसको तो विरासत भी मिली है, उसकी तो फैमिली के पास गाड़ियां हैं, सब कुछ होगा, बट देर मस्ट बी समथिंग लैकिंग। ठीक हो गया? तो हम इंसान जितने भी हैं, हम इंसान एक जैसे जिसम रखते हैं, हाथ पांव नाक आंख कान है, लेकिन हम सबकी कहानी मुख्तलिफ है। बनाने वाले ने हमारी कहानियां मुख्तलिफ बनाई हैं, उन्होंने हमारा स्केच किया, उस स्केच को उसमें रंग हमने भरना है। और वो रंग किस तरह भरेंगे हम? वो रंग मेहनत से भरा जाएगा, वो रंग कोशिश से भरा जाएगा, वो रंग एफर्ट से भरा जाएगा। और वो एफर्ट किसने करनी है? हमने खुद करनी है, कोई और नहीं करेगा। वो जो स्केच अल्लाह ने हमारा बनाया है, जो अल्लाह ताला ने हमारी जात का एक ओरा बनाया है, हो सकता है अल्लाह ने शक्ल किसी को खूबसूरत नवाज कर उसकी अकल उसकी आजमाइश बना दी। कभी सोचा इसके बारे में? इसी तरह अल्लाह ताला ने किसी को बहुत अच्छे घर में भेजकर रिश्ते उसकी आजमाइश बना दी, उसके घर में सब कुछ हो, बहुत ज्यादा ना इत्तफाकी ना चाकी हो, घर में हर वक्त अम्मा अब्बा की लड़ाई चलती है ऐसा? हमें क्या पता है सिर्फ कि जब वो बाहर आता है वो ब्रांडेड कपड़े जूते पहन के आता है, वो एक स्टाइल से चलता है, लेकिन इनसाइड द पर्सन द रियल स्टोरी इज अननोन टू अस। इन द सिमिलर वेज वी नीड टू एक्सप्लोर आवर लाइफ। हम सबकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होगा बेटा वी लाइक अबाउट इट। आप में से तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होंगी जिनको ये होगा काश में लड़का होते, आधी जिंदगी इसी ख्वाहिश में गुजरती होगी, है ऐसा नहीं? और होता क्या है, जब हम बार बार ये सोचते हैं तो हम अपनी जात से अनसेटिस्फाई हो जाते हैं हमेशा। जब अपनी जिंदगी में, क्योंकि हम इंसान कंपैरिजन करते हैं, बाय नेचर अल्लाह ने हमारे अंदर ये चीज डाली है कि हम अपने दाएं बाएं जरूर देखते हैं कि किसके पास क्या है क्या नहीं है। अच्छा लेट्स सपोज फीमेल के केस में लेते हैं कि मैं एक बेटी पैदा हुई हूँ, मुझे लगता है मेरा भाई जब जब जाता मुंह उठाता और बाहर चला जाता, भाई को कोई नहीं रोकता, भाई को बाइक भी मिल गई, भाई को सब कुछ मिल गया। But do you know, with every chance of enjoyment, you have a bundle of responsibility in life. हमें ये नहीं पता चलता। हम सारी जिंदगी अपने भाइयों को देख देख के कूदते हैं और फिर हम देखते हैं कि वही भाई कल को सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां उठा रहे होते हैं, वही भाई होते हैं जो हमें बयाने की खातिर दो दो जॉब्स भी कर रहे होते हैं, है ऐसा? कभी फील किया? हम हमेशा दूसरों की नेमतों की तरफ देखते और अपनी आजमाइशों की तरफ देखते हैं, जबकि हम भी बहुत नवाजे हैं। बेटा किसी की आजमाइश सेहत होगी, किसी की आजमाइश शक्ल होगी, किसी की आजमाइश इल्म होगी, किसी की आजमाइश रिश्ते होंगे, किसी की आजमाइश जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, लेट आने वाले बच्चे होंगे, हाँ किसी की आजमाइश डिस्ट्रप्शन होगी। ठीक है, अब क्या है आजमाइश? ऐसा नहीं है कि किसी की जिंदगी में भी नहीं है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि बेशक मैंने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। वैसे टीचर को मोबाइल साइलेंट होना चाहिए। अच्छा तो
मुशक्कत में पैदा करने का मतलब है कि हम में से हर इंसान की जिंदगी चैलेंजिंग है एट वन पार्ट और द अदर पार्ट, लेकिन हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन मुशक्कतों की तरफ देख रहे होते हैं। हम ये देखते हैं, ओहो मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं गरीब घर में पैदा हो गया, मेरे माँ बाप के पास अच्छा घर नहीं था, सारी जिंदगी रेंट पे रहे, मेहनत करते रहे, बड़ी मुश्किलों से जिंदगी की जरूरियात पूरी हुई, मुझे ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है, मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम यही सोच सोच के अपनी सारी जिंदगी अपनी असल से आगे नहीं निकल सकते बेटा, जबकि जिंदगी की कामयाबी यही है कि आप जिस हाल में पैदा हुए हैं, आप जब इस दुनिया से जाएं तो आप उससे बहुत बेहतर हाल में, कपड़ों जूतों के मामले में नहीं, घर के मामले में नहीं, हम बहुत बेहतर इंसान बन के इस दुनिया से जाएं। और हम जब जाएं ना तो आपको पता है जो लोग आपके मुंह पे इज्जत करते हैं वो तो अक्सर दिखावा भी होती है, वो अक्सर टाइम लोग आपको जिसे क्या कहते हैं मस्का भी लगा रहे होते हैं, बटरिंग भी कर रहे होते हैं। बेटा इज्जत वो है जो हम कमाते हैं, जो हमारे पीछे होती है, और हमने कोशिश करनी है कि हमने अपनी पोजीशन जो है अपने किरदार की बेस पे बेहतर बनानी है। कपड़े जूतों की बेस पे इज्जत कोई इज्जत नहीं होती, वो चापलूसी होती है। तो हमने अपनी अपनी जिंदगियों की आजमाइशों में उनकी तरफ देखना है, लेकिन उनकी वजह से रुकना नहीं है, उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बनाना। अच्छा, मैं कैसे घर में पैदा हूं जहां बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, मैं इस कदर अच्छा पढ़ूं कि मेरे वालिदैन खुद कहें कि बेटा तुम पढ़ो, और मैं अपने खानदान में पहली वो बच्ची बन जाऊं, या पहली वो बच्ची बन जाऊं जो डॉक्टर बन गई है, या जिसने इंजीनियरिंग की है, या जिसने जो आर्किटेक्ट बनी है, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन। मुश्किल होगा, लोग इधर उधर वाले रोकेंगे भी से, रिश्तेदार खास तो, क्योंकि रिश्तेदारों का और ज्यादा कोई काम हो ना वो रोकते जरूर है, टांग जरूर अड़ाते हैं, हमारे वालिदैन को जरूर बताते ना पढ़ाओ बिगड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या है, अगर हम वो स्ट्रगल कर गए और स्ट्रगल करने के साथ साथ मेहनत करनी है पढ़ाई में, अपने करेक्टर को भी ठीक रखना ताकि हमारे वालिदैन को हम पे कॉन्फिडेंस हो, जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो हम वो जो हमारे आगे बैरियर था उसको ब्रीच कर लेंगे। ब्रीच करने का मतलब होता है पार कर लेंगे। तो हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी के बैरियर्स के पीछे खड़े होकर उनको देख देख कर रोते रहते हैं, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, मैं सेहतमंद क्यों नहीं रहता। ठीक है यार, सेहत आजमाइश है, लेकिन जब कभी सेहतमंद हूं अगर मैं डबल एफर्ट करके पहले प्रिपेयर हो जाऊं बीमार होने के लिए तो क्या आप सर्वाइव कर सकते हैं। हम यूजली क्या करते हैं, अच्छा आम तरीन बात पे आ जाते हैं, हम यूजली क्या करते हैं, टीचर ने असाइनमेंट दी 10 से 10 को असाइनमेंट दी, 10 सितंबर डेट दी, हम कब असाइनमेंट करते हैं 9 सितंबर हम 9 सितंबर को करते हैं। अगर हम बहुत जल्दी हैं तो हम कहेंगे यार 1 सितंबर को यार देखो तुझे टॉपिक क्या, बांटना नहीं काम है ऐसा, और हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन में टाइम गुजार देते हैं। ये क्या होती है, काम को आगे से आगे डाली जाना, टाइम वेस्ट करना। दो दिन इतनी मेहनत करेंगे कि घर वाले भी अप्रिशिएट करो, बड़ी मेहनत हो रही, सारी रात बल्ब चलता रहता, बड़ी मेहनत हो रही, ये नहीं पता कि 28 दिन किया ही कुछ नहीं। देखो ना बेटा, यही अगर आप अपनी जिंदगी को प्लान चलाओगे ना तो कभी भी आप नाकाम नहीं होगे। और एक बात याद रखना, जो लोग बहुत बड़े कामयाब इंसान होते हैं ऐसा नहीं कि उन्होंने जिंदगी एंजॉय नहीं की होती, उन्होंने भी सब कुछ किया होता है, मौज मस्ती एफर्ट सब किया होता है, लेकिन सब कुछ टाइमली किया होता है। और हम क्यों रोते रहते हैं, क्योंकि हम कुछ भी टाइमली नहीं कर रहे। जिंदगी में अपना एक स्केड्यूल रखो, सोने का जागने का हर चीज का एक स्केड्यूल रखो। हम यूनिवर्सिटी आते हैं, हर वक्त क्या पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई होती है, बहुत पढ़ाई होती है, पूरा सेमेस्टर हम टीचर्स को सुन सुन के थक जाते हैं, एंड में वो हमारा पढ़ के थक जाते हैं ऐसा। ठीक है, अब आपको मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, ये आपकी जिंदगी का बेहतरीन फेज है, आप अपने यूथ के पीक पे है ऐसा, हेल्दी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम है, अभी हम आजाद है। बेटा इसको एंजॉय भी करो, इसमें मैक्सिमम सीखो भी से, कोई कोर्स हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, गो हेड, बार बार मौका नहीं मिलता। और हमने कोशिश करनी है कि जो मेरे वालदैन ने जैसी जिंदगी गुजारी मैंने उससे बेहतर जिंदगी गुजारनी, और खाली इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं, खाली पैसा कामयाबी नहीं होता, इन टर्म्स ऑफ इंसान मैंने उससे बेहतर, लेट्स से मेरे वालदैन उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है,
मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मेरी जबान शाइस्ता हो. लेट्स से मेरे अबू गुस्से के बड़े तेज हैं, मेरे नहीं लेकिन जेनेरिक सपोज. ठीक है, आपने बोल दिया तो अबू होना चाहिए. अच्छा तो क्या है, क्या मैं भी उनकी तरह हार्श बोलूं? क्या मेरी जबान भी वैसी हो? नहीं, मैंने अपनी जबान में वो शाइस्तगी लानी है जो मुझे महसूस होता है मेरे घर में नहीं है. हर वो चीज जो हम अक्सर फील करते हैं ना, मेरे घर में काश ये होता, काश वालदैन की ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती, काश ऐसे ऐसे वो लड़ाई ना करते, जो चीज हम कहते हैं ना कि ये चीज होती, वो चीज हम अपनी जिंदगी में जब जब अप्लाई करते जाएंगे तो वो कमियां पूरी होती जाएंगी. अगर मुझे अपने घर वालों से या किसी को भी अपने घर वालों से शिकवा के शो ऑफ बहुत करते हैं, अगर मैं शो ऑफ करना छोड़ दूंगी तो वो चीज कम होती जाएगी. एटलीस्ट कोई एक तो है ना जो ये हरकत छोड़ रहा है, उस एक के छोड़ने से लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे. जब उसको अप्रिशिएट किया कर जाएगा तो उसके बहन भाई भी देख के उससे इंस्पायर होंगे कि यार इसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं. मैं हर चीज का बताती हूँ, मैं ये फलाने ब्रांड से लेकर आई हूँ, मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखता. आ रही बात समझ? तो हमें जिंदगी में जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर करें. बेटा पैदाइशी तौर पर सब कुछ किसी को भी नहीं मिलता, हमने हासिल करना है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में. मेहनत का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता. आपने कभी देखा होगा वो जो लोग किसी भी एक एक्शन से बहुत फेमस हो जाते हैं. मेरा दिल ये पुकारे आ जा, ठीक है, पार्टी हो रही है और पार्टी हो रही है और वो लाहौर का पावा, ठीक है. उन्हें क्या था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, डीप डाउन क्या था उनमें? कुछ सीखने को था? कुछ भी सीखने को नहीं था. उनका फेम आया, ब्लूम आया और कुछ ऐसे बात दुनिया ने भूल जाए. आप कितने लोग जानते हैं अख्तर को? अगर जानते भी है ना वैस, तो क्या उसकी रिस्पेक्ट की जो वजह थी वो कोई दानिशमंदाना बात थी? नहीं थी. लोग आज भी मजाक क्यों उड़ाते हैं, हम हंस ही रहे हैं ना जी. इसकी जगह बेटा कुछ ऐसा करो कि आपकी कामयाबी देर पाओ. आपकी कामयाबी हो सकता है इतना बड़ा बूम ना हो, लेकिन आपकी कामयाबी देर पाओ. मुझे याद है जब मैंने पीएचडी की थी तो हमारे कुछ स्टार्टिंग में इंटरव्यूज हुए थे काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी पर. तो मुझे मेरे टीचर ने तब एक बात समझाई थी कि बेटा आप कोई टीवी एक्ट्रेस नहीं है कि आपके बारे में चीजें चलती ही रहेंगी. आप पढ़ी लिखी इंसान है, आपको दुनिया अप्रिशिएट करेगी और थोड़े अरसे बाद भूल भी हो सकता जाए. आपने अगर जिंदा रहना है तो अपने विजडम की बेस पे रहना है. ठीक है, तो बेसिकली हमने कोशिश करनी है कि बेटा हम अपनी जिंदगी में अपनी जो भी इज्जत बनाए वो पॉजिटिव हो.